एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे अपने चैनल बोस ऑफ कॉमर्स पे हाँ जी आज हम पढ़ने वाले चैप्टर नंबर थ्री ऑफ डिमांड में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो है मेथड टू मेजरिंग इलाइसिटी ऑफ डिमांड और उसमें भी देर द्री टाइप्स ऑफ मेजरिंग ऑफ इलाइसिटी या थ्री देर थ्री मेथड टू मेजरिंग इलाइसिटी ऑफ डिमांड फर्स्ट हम लोग पढ़ने वाले बच्चों बट आज का वीडियो शुरू होने से पहले या आज का सेशन शुरू होने से पहले बच्चों मैं चाहता हूं कि जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए शेयर कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलना बच्चों क्योंकि बजेगा बेल तो बोलेगा सर और चलेगा अपने हाथों का जादू हां जी दोस्तों और मेरे बच्चों मेरे को बहुत सारे बच्चों ने मैसेज किए सर ये टॉपिक बहुत डिफिकल्ट है डायग्राम समझ में नहीं आ रहा है प्लीज कुछ करिए तो मैंने इसके पहले एक वीडियो बनाया जो आपके लिए बहुत इजी है अपने हाथों के जादू में हमने को पढ़ लिया है सो लेट स्टार्ट विदाउट टेकिंग अ मच टाइम ऑफ माई स्टूडेंट पूरा वीडियो देखना और अगर कोई डाउट है तो टेलीग्राम ज्वाइन करना और मैसेज करना भूलना मत हर सवाल का एक ही जवाब बोस ऑफ कॉमर्स चलिए शुरू करते मेरे बच्चों आज हम पढ़ने वाले हैं

Either elasticity is equal. I can say that unitary less than more than zero, yeah infinity because we are comparing demand with the changing the price. right? But in this method, Professor Alf Alfred Marshall explained that we can measure elasticity with the help of expenditure method. ड्यू टू चेंज इन द प्राइस वी आर गोइंग टू कंपेयर एक्सपेंडिचर राधर डिमांड यहां पर प्राइस को डिमांड से कंपेयर नहीं करना है यहां पर कंपेयर करना है प्राइस को एक्सपेंडिचर के साथ में राइट माइ डियर स्टूडेंट सो टोटल अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर बिफोर एंड आफ्टर चेंज इन प्राइस इज नीड टू बी कंपेयर कुछ समझ में आ रहा है हमें क्या कंपेयर करना है बेटा अपने एक्सपेंडिचर को किससे प्राइस प्राइस के चेंज होने से एक्सपेंडिचर में क्या चेंज आ रहा है ऑन दैट बेसिस वी आर डिसाइडिंग इलास्टिसिटी देन 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 मोर इक्वल और लेस राइट चलिए लेट्स सी सो हियर टोटल एक्सपेंडिचर मतलब क्या तो टोटल एक्सपेंडिचर मींस बेटा हिन्न टोटल एक्सपेंडिचर रिफर्स टू टोटल एक्सपेंडिचर कैसे मिलता है बेटा तो प्राइस मल्टीप्लाई बाय टोटल क्वांटिटी डिमांडेड एग्जांपल एक पेन की प्राइस फाइव रुपीज है मैंने चार पेन खरीदी तो मेरा तो टोटल एक्सपेंडिचर कितना होगा ट्वेंटी रुपीज तो हियर प्राइस एंड एक्सपेंडिचर को हमको कंपेयर करना है मोर देन इक्वल तो लेट्स स्टार्ट शुरू करते हैं अपने जलवे में अपने तरीके से लॉजिक गोविथ द मैजिक तो बच्चों यहां पे हम क्या कंपेयर करने वाले बेटा क्या कंपेयर करना है प्राइस को एक्सपेंडिचर के साथ में और जब आप प्राइस को एक्सपेंडिचर से कंपेयर करोगे तो हो सकता है चेंज इन प्राइस योर एक्सपेंडिचर मे बी इक्वल मे बी मोर देन और मे बी लेस देन प्राइस के चेंज होने से बेटा प्राइस के चेंज होने से आपके एक्सपेंडिचर क्या होती है अगर एक्सपेंडिचर रिमेन सेम उसे कहेंगे बेटा तो लेट्स स्टार्ट मैं एक्सप्लेन करके बताता हूं आपको कैसे तो फर्स्ट मैं एक्सप्लेन करता हूं यूनिटरी इलाइसिटी ऑफ डिमांड अंडर एक्सपेंडिचर मेटर व्हेन प्राइस फॉल और रेस टोटल एक्सपेंडिचर डज नॉट चेंज रिमेन कांस्टेंट रिमेन सेम दिस इज कॉल्ड एज इलाइसिटी ऑफ डिमांड कॉल्ड इक्वल और आई कैन से यूनिटरी इलाइसिटी ऑफ डिमांड क्या बताना चाहिए बेटा व्हेन प्राइस फॉल और रेस और आई कैन से वैन प्राइस चेंज बट माई टोटल एक्सपेंडिचर रिमेन सेम इट इज कॉल यूनिटरी एक्सपेंडिचर या यूनिटरी इलाइसिटी ऑफ डिमांड नेक्स्ट मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं डिमांड इन एक्सपेंडिचर मेथड सो सेम वेन विथ ए चेंज इन प्राइस और वेन चेंज इन प्राइस एंड टोटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज दिस इज कोल्डर रिलेटिवली इलेक्सिटी डिमांड और थर्ड वन अगर मैं कहूं वैन चेंज इन प्राइस एंड टोटल एक्सपेंडिचर फॉल डिक्रीज दिस इज कॉलर रिलेटिवली मतलब मुझे क्या करना भी समझ गया सर हाँ मुझे को, मुझे को समझ गया स्टूडेंट रिलैक्स yes, आराम से टोटल एक्सपेंडिचर मतलब टोटल आउटले मेथड दोनों नाम से पहचा जाता है यहां पर हम किस को कंपेयर करेंगे प्राइस को हमारी टोटल एक्सपेंडिचर से चेंज इन प्राइस चेंज इन एक्सपेंडिचर

डोंट फियर माय डियर स्टूडेंट आपके लिए बहुत सिंपल शेड्यूल मैंने बनाया है और टेक्स्ट बुक में शायद डायग्राम नहीं है बट मैंने आपको डायग्राम बना के बताया एग्जाम में बनाना आपका एग्जाम खुश हो जाएगा और यस यू विल गेट मोर मार्क्स हाँ पाँच चार मार्क के क्वेश्चन है पांच नहीं मिलेंगे चार में से चार तो मिल ही जाएंगे हमें लेट स्टार्ट प्राइस सबसे पहले क्या लिखेंगे प्राइस फिर क्या लिखेंगे क्वांटिटी क्वांटिटी डिमांडेड इन यूनिट्स बट इसका हमें कोई भी यूज नहीं है डिमांड को कंपेयर करना नहीं है इन दिस मेथड राइट अब प्राइस और क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करोगे तो मुझे मिलेगा मेरा एक्सपेंडिचर तो यहाँ पे फर्स्ट कॉलम और थर्ड कॉलम को कंपेयर करना है बीच वाली को कंपेयर करना नहीं है वी नॉट सी डिमांड इन दिस मेथड अग्री चलिए शुरू कर दे कंडीशन है मार्केट में ओनियन की प्राइस कितनी थी फोर रुपीज और मैंने कितना किलो परचेस किया हाउ मच के जी आर परचेस फाइव के जी सो वॉट इज माई टोटल एक्सपेंडिचर ट्वेंटी वेरी सिंपल फोर रुपीस फाइव के जी टोटल एक्सपेंडिचर ट्वेंटी चेंज इन प्राइस चेंज इन एक्सपेंडिचर प्राइस चेंजिंग प्राइस को एक्सपेंडिचर से कंपेयर करना राइट लेट्स स्टार्ट सपोज प्राइस फॉल्स फ्रॉम फोर रुपीज टू वन

Change in how you write when change in price, but no change in total expenditure. This is called unitary elasticity demand, right? This is called unitary elasticity of demand, as you can see over here, right? My dear student, surely. Second example, equal. <laughs> मोर देन देन लेस फिर से सेम एग्जाम्पल आपको इजी हो इसके लिए शेड्यूल आपका पॉइंट नंबर बी और जो मैं बोल रहा हूं वो आपको एक्सप्लेन ही करना है एक्स्ट्रा कुछ लिखना नहीं है बच्चों फोर रुपीज के प्राइस पे अगेन हो गया पहली लाइन सेम टोटल एक्सपेंडिचर ट्वेंटी हमें डिमांड को देखना नहीं है इन दिस मेथड वी आर गोइंग टू कंपेयर प्राइस विद अवर टोटल एक्सपेंडिचर सपोज प्राइस फॉल्स बट ओब प्राइस डिक्रीज डिमांड क्या होगी इंक्रीज तो पहले मेरी डिमांड कितनी थी पांच किलो अब कितनी हो गई ट्वेंटी ऑन अ वन रुपीज प्राइस नाउ इंक्रीज डिमांड फोर्टी केजी जी ऑनियन सो माय डिमांड इंक्रीज बट टोटल एक्सपेंडिचर क्या हो जाएगा मेरा फोर्टी वन मल्टीप्लाई बाई फोर्टी इज इक्वल टू फोर्टी सो अब कंपेयर करो पहले फोर रुपीज के प्राइस पे एक्सपेंडिचर ट्वेंटी नाउ वन के प्राइस पे एक्सपेंडिचर कितना हो गया फोर्टी मीन्स बेटा फिर से चेंज इन बेटा चेंज इन प्राइस चेंज इन टोटल एक्सपेंडिचर वो भी क्या है ना प्राइस फॉल्स एक्सपेंडिचर इंक्रीज दिस इज कॉल्ड इज अ रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड सिंपल आई कैन से दैट ईडी इज अ ग्रेटर देन वन ईडी इज अ मोर देन ऑफ प्रीवियस एक्सपेंडिचर नेक्स्ट ये मेरा थर्ड एग्जाम्पल वहां पे भी सेम फर्स्ट लाइन हमें सेम ही लिखनी है फोर रुपीज फाइव के जी ऑनियन टोटल एक्सपेंडिचर ट्वेंटी तो आपके लिए सिंपल हो गया अब प्राइस फॉल्स ध्यान से बच्चों अब ये थर्ड कंडीशन में मुझे मेरा एक्सपेंडिचर रिड्यूस करके बताना है राइट लेट्स सी माय डियर स्टूडेंट प्राइस फॉल्स टोटल एक्सपेंडिचर बेटा प्राइस फॉल्स डिमांड इंक्रीज क्योंकि प्राइस और डिमांड का रिलेशन क्या होता है अपोजिट बहुत सारे बच्चे यहां पे मिस्टेक कर देते हैं प्राइस फॉल डिमांड फॉल करके एक्सपेंडिचर कम करने की कोशिश करें ये गलती नहीं करना देखिए प्राइस फॉल्स मैंने जान बुझे लिया है हैल्टीप्लाई बाई टेन तो देखिए प्राइस फॉल्स हो रहा है डिमांड भी इंक्रीज हो रहा है बट माई टोटल एक्सपेंडिचर गोस डिक्रीजिंग और मुझे डिमांड से कोई लेना देना नहीं है प्राइस डिक्रीजिंग टोटल एक्सपेंडिचर डिक्रीजिंग दिस इज कॉल्ड एज रिलेटिवली इन इलासिटी ऑफ डिमांड सो हो गया ना इजी और एक और हिंट पॉइंट बता दो मेरा यहां पे हिंट पॉइंट देखो बेटा प्लीज हिंट पॉइंट ध्यान देना मैंने फर्स्ट लाइन क्या लिखी बेटा देखो यहां पे 20 20 20 और फर्स्ट में क्या क्या है 20 20 का डबल 40 और 20 का हाफ 10 वेरी इजी नंबर और बीच में तो मैंने मल्टीप्लाई वन से किया तो बीच का नंबर भी सेम ही रहेगा 20 40 एंड 10 सिंपल हो गया बाहर शेड्यूल चल गया ना अपना मैजिक राधा देंद्र लॉजिक क्या ये नंबर हमें लिख सकते हैं यस आपको ये शेड्यूल बनाना है और ये शेड्यूल को एक्सप्लेन भी करना है और ये शेड्यूल के बेस पे एक डायग्राम में बताता हूँ वो भी ड्रॉ करके नाम आप चलिए देखिए पहले क्या बनेंगे हम लोग टोटल एक्सपेंडिचर के लिए वाई एक्सिस और यहाँ पे क्या लिखेगा एक्स वाई एक्सिस पे लिखिए प्राइस और एक्स एक्सिस पे डिमांड नहीं क्या लिखोगे टोटल एक्सपेंडिचर बिकॉज ये एक्सपेंडिचर मेथड है प्राइस कंपेयर विद बेटा प्राइस कंपेयर विद द एक्सपेंडिचर राइट और एक मिनट कोई टेंशन नहीं है शेड्यूल तो अपने हाथों पे स्ट्रेंसिल बना के देता हूं ना मैं आपको चलिए तो बेटा ऐसे करिए और इसको आराम से आराम से ऐसे कर लीजिए देखिए देख रहे हैं अब डायग्राम देखो मैं स्क्रीन पे आ जाएगा आपके पास ये मैंने छापा तो ये मेरा क्या बेटा पहला लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड मतलब बेटा मेरा ईडी इज अ लेसर देन वन फी में स्ट्रेट इज इक्वल टू वन एंड देन लेफ्ट टू राइट अपवर्ड लेफ्ट टू राइट अपवर्ड राइट ये देखो लेफ्ट टू राइट अपवर्ड राइट देट इज ईडी इज मोर देन वन सो ये डायग्राम आप हाथों पर लेके जाना है एग्जाम में पर भाई अपना लेफ्ट हैंड यूज मत करना यहाँ पर राइट हैंड यूज करना है या राइट हैंड आपने यूज किया इस तरह से इस तरह से इस तरह से रखना बनाना पॉइंट को नाम दे देना ए बी सी डी आपका काम हो जाएगा इज इट ओके सो थैंक यू सो मच माइ डियर स्टूडेंट बट मैं चाहता हूं कि आप लोग शेड्यूल को कैसे एक्सप्लेन करोगे एक बार देख लो मैं फटाफट बताता हूं वही नंबर है चाहिए तो स्क्रीन शॉट ले लेना आपके रीडिंग के लिए एक बार मैं आराम से एक्सप्लेन करता हूं जो मैंने टेबल में लिखा है प्राइस डिक्रीजिंग टोटल क्वांटिटी इंक्रीजिंग एक्सपेंडिचर रिमेन चलिए अपना एक कॉमन लाइन मार्ज प्राइस डिक्रीज डिमांड इंक्रीज एक्सपेंडिचर रिमेन सेम प्राइस डिक्रीज डिमांड एक्सपेंडिचर मोर देन प्राइस डिमांड एक्सपेंडि रिलेटिवली मैंने आपके लिए लिखा है इन डिटेल सिचुएशन नंबर वन ए प्राइस कितना था फोर रुपीज दिख रहे सबको फोर रुपीज डिमांड कितना क्या था फाइव के जी टोटल एक्सपेंडिचर कितना होता ट्वेंटी राइट

ओरिजिनल चार रुपए रखा था टोटल क्वॉंटिटी हमने कितनी पच्चीस की फाइव के जी एक्सपेंडिचर ट्वेंटी प्राइस क्या हुआ था बेटा फोर हुआ था फोर टू वन टोटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज हुआ था ट्वेंटी के जी टू फोर्टी के जी टोटल एक्सपेंडिचर भी क्या था फोर्टी सो है इन दिस केस टोटल एक्सपेंडिचर इज अ ग्रेटर देन ओरिजिनल एक्सपेंडिचर पुराना ट्वेंटी था नया कितना हो गया फोर्टी सो दिस इज कोलेजा ईडी इज अ मोर देन एंड लास्ट एंड फाइनल थर्ड सिचुएशन में आपको एक्सप्लेन करता हूं सेम सिचुएशन है प्राइस डिमांडेड टोटल एक्सपेंडिचर ट्वेंटी एंड वेन प्राइस फॉल्स फोर रूपीज टू वन एक्सपेंडिचर इंक्रीज क्या डिक्रीज डिक्रीज तो कैसे करोगे प्राइस फॉल्स टोटल डिमांड इंक्रीज टेन के जी पहले पांच थारिजिनल्डी लेसर देन इट इज रिलेटिवलीस्टिक आपके लिए शेड्यूल प्रेजेंट कर रहा हूं ध्यान से देखिए जो शेड्यूल में दिख रहा है वो हमको बताना है राइट right? तो यही शेड्यूल आपको आराम से एक्सप्लेन करना है बच्चों कोई घाई नहीं करनी है प्राइस डिक्रीज प्राइस डिक्रीज डिमांड इंक्रीज एक्सपेंडिचर रिमेन सेम तो उसको बोलते रिलेटिवली प्राइस डिक्रीज एक्सपेंडिचर प्राइस डिक्रीज डिमांड इंक्रीज एक्सपेंडिचर इंक्रीज रिलेटिवली इलास्टिक एंड थर्ड वन प्राइस डिक्रीज डिमांड इंक्रीज एक्सपेंडिचर इंक्रीज दिस इज कॉल्डिवलीं वीडियो देखने के लिए शॉर्टकट स्ट्रिक बा के लिए बच्चों हमारे टेलीग्राम से ज्वाइन करिए एज वेल एज हमारे बेल आइकोन को दबाना भूलना नहीं नए नए वीडियो आपको मिलते रहेंगे क्योंकि बजेगा बेल तो बोलेगा सर और चलेगा अपने हाथों का जादू तो थैंक यू सो मच